हाय गाइस, माय नेम इज रेहान एंड वेलकम बैक टू माय सीरियस वॉज यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िए रहना। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम बताएंगे कि माइनक्राफ्ट में एंटरटेनमेंट कैसे बनाएं। सो गाइस, वीडियो को फुल देखना और मिस मत करना बिल्कुल भी, वरना आप लोग भूल जाओगे कि कैसे बनाने और स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि भाई हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट कर दें। सो गाइज, हम आ चुके हैं हमारी एक क्रिएटिव वर्ल्ड में। सो गाइज, इंडर ड्रैगन बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूंगा, और आप लोगों पे अगर चैनल पे नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। मैं एक और बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि गाइज आप लोगों के लिए ही खास मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, और जो आप लोग कमेंट में बोलते हो वही मैं वीडियो बनाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं फ्री फायर की ही वीडियो बनाऊँ, मैं और भी गेम्स की वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। सो गाइज, उससे पहले हम लोग एक जगह ढूंढ लेते, फिर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, फुल डिटेल बता देंगे। तो गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। वैसे तो भाई 100% देखो कंफर्म बोल रहा हूँ कि मतलब आप लोगों से ये इंडर ड्रैगन बनेगा ही बनेगा। तो हम लोगों को ये जगह मिल चुकी है। तो गाइज देखो, हम लोगों को सबसे पहला जो चाहिए होगा, रुको एक मिनट में, हम लोग अभी टूल्स लगा लेते हैं, अभी थोड़े बहुत क्या है कि ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। गाइज सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ऑब्सीडियन। तो गाइज यहाँ आप लोगों को ऑब्सीडियन मिल चुका है। तो गाइज हम लोग दूसरी चीज़ लेते हैं हेड, और इंडर ड्रैगन का ही हेड लेना है आप लोगों को। तो गाइज हमें हेड भी मिल चुका है, और गाइज हमें लेना है बटन। तो गाइज हमें बटन भी मिल चुका है, आप लोग कोई सा भी बटन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो गाइज देखो, और आप लोगों को लेना होगा कमांड ब्लॉक। अब कमांड ब्लॉक आप लोगों को कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो गाइज देखो, आप लोगों को कहाँ जाना है, सीधे जहाँ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल यहाँ जाना है आप लोगों को। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। चलो हम इस पर कर देते हैं क्लिक, और हम लोग इसे कमांड ब्लॉक मांगते हैं। तो गाइज आप लोग देखते रहो कि कमांड ब्लॉक कैसे लेते हैं। तो गाइज आप लोगों को ये वाला डॉट लगाना है, और फिर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है जो मैं कर रहा हूँ, और फिर लिखना है आप लोगों को कमांड ब्लॉक। ये सब लिखने वाला आप लोगों को लिखना है कमांड ब्लॉक, ऐसे करके आप लोगों को डॉट लगाना है बीच में, ना कि स्पेस देना है। और गाइज देखो, यहाँ पे हमें कमांड ब्लॉक मिलने वाला है, और गाइज देखो मिल चुका है हमें कमांड ब्लॉक। सो गाइज चलो हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो गाइज यहाँ पे साफ जगह है, तो यहाँ पे हम पटकते हैं एक ये, और फिर दूसरा ब्लॉक यहाँ, और फिर यहाँ। गाइज स्टेप बाय स्टेप आप करते रहो, बस हम बता रहे हैं आप करते रहो। और फिर आप लोगों को यहाँ पर रखना है तीन हेड, यही वाले थ्री हेड रखने हैं आप लोगों को। और फिर एक आप लोगों को नीचे एक गड्ढा खोद लेना है, और इसके भी नीचे एक गड्ढा खोद लेना है। और गाइज आप लोगों को यहाँ पर कमांड ब्लॉक पटकना है। कमांड ब्लॉक में आप लोगों को क्या लिखना है वो भी स्टेप बाय स्टेप आप करते रहो, हम बता रहे हैं। तो गाइज देखो, आप लोगों को लिखना है यहाँ पर ऐसा। तो गाइज आप लोगों को ये लिखना है, और इसके बाद का भी हम बताएंगे, फुल डिटेल बताएंगे, इतना सा भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब आप लोगों को फुल डिटेल बताएंगे हम कि क्या लिखना है। ये इतना लिखने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को स्पॉन पॉइंट लिखना है। फिर आप लोगों को जैसे कि देखो भाई, जैसे जैसा बोल रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ जैसा कि जैसा, वैसा वैसा आप लोग लिखना भाई। इतनी सी भी आप लोग गलती कर दोगे ना, तो भाई आप लोग इंडर ड्रैगन खोदोगे, मतलब कि आप लोग इंडर ड्रैगन नहीं बना पाओगे। तो गाइस देखो, स्पॉन पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर इतनी सी भी आप गलती कर दोगे तो आप लोगों का ये जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा। तो गाइज हम लिख देते हैं स्पॉन पॉइंट। तो गाइज हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो यहाँ पे स्पॉन पॉइंट हम लोगों ने क्यों लिखा है, तो गाइज देखो यहाँ पे एक नंबर आएगा स्पॉन पॉइंट लिखने के बाद, आप लोगों को ये लिखना है उसके आगे, जो हमने इंडर ड्रैगन लिखा था ना उसके आगे आप लोगों को ये लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर उसके आगे, जो जो हमारे नंबर थे वही वही हम नंबर लिखेंगे। 152 था, फिर उसके आगे 71 था, फिर उसके आगे आई थिंक 58 या 48 में से कुछ था। तो गाइज उसके आगे था 48, तो गाइज ये 48 भी हम लिख देते हैं। तो उसके आगे लिखना है हमें 48, जो स्पॉन पॉइंट था वही हमारा लिखना है 48। और फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें बैठना है। बैठते कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिनको बैठना नहीं आता, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको बैठना नहीं आता। तो गाइज आप लोगों को ये बीच वाले जो डॉट है ना, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, बिल्कुल इस पर डबल क्लिक करना है, मतलब एक बार नहीं डबल क्लिक करने के बाद ये बटन लग जाएगा। और फिर आप लोगों को देखो भाई, इंडर ड्रैगन स्पॉन करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। गाइज देखना, अभी इंडर ड्रैगन स्पॉन होगा, मैं बटन दबाऊंगा, ये गाइज देख सकते हो आप लोग। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।